फ्रेंड, मेरा नाम दीपक फुलवारिया है और मैं अभी जो आपको देख रहे थे अभी टाइटल में वो वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखते रहिए कैसे कैसे मैं जो जो स्टेप है वो आप फॉलो करके आप अपने वीडियो बना सकते हो। जैसे कि अब मैं पहले कोई भी VPN है वो अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपन ओपन करें VPN, मेरे पास सिक्योर VPN है तो अपन इसको करके इसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट कर लिया VPN को, ठीक है। अब अपन जाएंगे अपने कैपकट में, कैपकट में जैसे जाएंगे कैपकट में ओपन किया कैपकट, कैपकट ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट में थर्ड ऑप्शन है स्टॉक वीडियो, स्टॉक वीडियो पर क्लिक करके उस पर कोई ब्लैक फ्रेम है वो और कर लेंगे क्लिक। सेड हेड एड एड किया ब्लैक फ्रेम, फिर अपन जाएंगे अपने एल्बम में। एल्बम में गए, एल्बम में अपने जो फ़ोटोज़ है जो अपन करना चाहते हैं वो अपने फ़ोटोज़ ली, जैसे अपन जो भी फ़ोटोज़ है वो अपन इस पर ऐड किया। जैसे अपन कौन सी फ़ोटो थी जो अपन, जैसे मैं अभी फ़ोटो ये वाली फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ, 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 तो अपन ने ये फ़ोटो करके अपन ऐड के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐड को अपन क्लिक किया जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक। अब जो लास्ट में जो वाटर मार्क है वो अपन इसको कैप्चर के वाटर मार्क अपन डिलीट कर देंगे। अब ये अपन देख सकते हो अपन हो गया। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसमें जो पहली स्लाइड है उसको अपन 3 सेकंड का, उसको अपन 2.5 ज़्यादा नहीं रखेंगे नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अपन इसको क्या करेंगे 2.5 का करेंगे, 0.5 कटा देंगे, ठीक। अब ये हो गया, ये अब इसके बाद क्या करेंगे अपन कि इसको जो है ये इसको एक फ्रेम में लाएंगे, जैसे कि यूट्यूब में डालने के लिए हो, रील में डालने के लिए हो, जिसके लिए अपन क्या करेंगे ऑप्शन आएगा रेशियो, रेशियो क्लिक करके रील के लिए हो, इंस्टा के पोस्ट के लिए हो, यूट्यूब के लिए, तो अपन रील के लिए बना रहे हैं तो रील के लिए राय रेशियो 16 पे क्लिक करके इसको कर देंगे पूरे, ठीक। कर दिया पूरे को, फिर अपन कर देंगे इसको क्लिक, टिक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि एक गाना चूज करेंगे, गाना कहाँ से चूज करेंगे, ये तो हो गया ब्लैक। अब यहाँ से अपन गाना चूज करेंगे, गाना चूज करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें ऑडियो का ऑप्शन आएगा, ऑडियो ऑप्शन पर साउंड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, साउंड के ऑप्शन में आएंगे, अपने पे गाना है कोई फ्रॉम डिवाइस है तो वो ले लेंगे। जैसे कि मेरे पास ये गाना है, कौन सा गाना है ये देख सकते हो, जैसे गाना है, ठीक है। अब ये अब इसमें क्या है, अपन को फोटो को गाने के अकॉर्डिंग अपन को ऐड करना है। गाने पर शेयर सेलेक्ट करेंगे, इसमें अपन को बीट ऐड करेंगे, बीट ऐड करने के लिए यहाँ ऐसा करना है, फिर जो बीट ऐड करनी है तो अपन अपने मैनुअली भी कर सकते हैं। दूसरा अपन जिसमें ऑटो जनरेट है, ऑटो जनरेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो अपन ऑटो जनरेट पर क्लिक करेंगे। अपन जैसे आ चुकी है, अब अपन बीट 1 बीट 2 आ रखी है, तो अपन बीट 1 बीट 2 देखेंगे तो बहुत सारी है, और जैसे अपन सुन सकते हैं, मतलब एक गाना होता है लिरिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग आए। तो बीट 1 क्या है, बीट 1 में पूरा लिरिक्स आ रखा है, तो देखिए देखिए अब इसको प्ले करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि जो अपन इमेज है वो बीट के अकॉर्डिंग अपन उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अपनी इमेज बीट के अकॉर्डिंग ये यहाँ एक बीट है, यहाँ एक बीट है, यहाँ एक बीट है, और चौथी बीट ये है, ठीक। अब बीट हो गई, अब अपन उसको बच गया वो, उसको अपन क्या करेंगे ऐसा कैसे रहने देंगे, बाद में अपन इसको डिलीट कर देंगे, ठीक। अपन अब क्या करेंगे कि दूसरा काम ये था कि जो जो फ्रेम पहली फ्रेम थी उसमें कुछ बनाना, कुछ मतलब स्टार्टिंग में क्या दे, अपन क्या करेंगे पहले फ्रेम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि कुछ भी अपन को टेक्स्ट लिखना हो टेक्स्ट लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट या स्टिकर हो कुछ भी, तो मैं अभी स्टिकर ऐड करने वाला हूँ। स्टिकर पर हमने क्लिक किया, स्टिकर पर क्लिक करके फिर अपन जो आपको मन में वो, जैसे कि मैं अभी एक ज़्यादा कुछ नहीं सिंपल सा बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला क्लिक किया, ठीक, और ये वाला सेलेक्ट किया, ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब ये दोनों सिर्फ फ्रेम के अकॉर्डिंग ही करना है, फ्रेम के जो पहला फ्रेम था उसके अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट करके और फ्रेम के थोड़ा सा पहले तक ही करना है, जैसे कि अपन दूसरा वाला है उसको उसमें बीच में फेड आ सके एक थोड़ा सा। अब ये किया, अब इनको सिलेक्ट एडिट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो,
जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको एड कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन के लिए नीचे आप इनको क्लिक, इन पे क्लिक करके नीचे के एनिमेशन का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको, जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ और पूरा इसको पूरा कर दूंगा। ठीक, अब ऐसे दूसरे वाले को करके एनिमेशन वही जूम इन इस पर करेंगे, इसको भी अपन पूरा कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, तो इसमें जो ट्रांजिशन है बीच में, इसमें अपन इसको क्लिक करके इसमें अपन ट्रांजिशन के बल्ब लगाएंगे। जैसे कि ब्लैक फेड लगा दिया मैंने, फ्लिक फेड का 0.5 किया और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। ठीक, अप्लाई टू ऑल किया, ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब अपन क्या करेंगे लास्ट में, अपन क्या करेंगे, अब जो पहला जो फोटो है वहाँ से लेंगे, और अपन जो पेंट ब्रश वाला वीडियो है वो अपन इस पर सेलेक्ट करेंगे उसको। तो अपन क्या करेंगे, ओवरलैप पर क्लिक करके एड ओवरलैप पर जाएंगे, जो अपना वीडियो है वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब सेलेक्ट कर दिया, अब अपन देख सकते हैं कि पहली बीट है और जो दूसरी बीट है उसके बीच में जो सेल ये है ये पूरा आ नहीं रहा। तो अपन इसको क्या करेंगे, स्पीड कर कम कर देंगे इसके, जिससे वो आ जाए पूरा। जैसे अपन 0.8 कर दिया, और वीडियो है तो उसको स्मूथ करने के लिए अपन ये भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अपना हमारा वीडियो पूरा इस पे आ चुका है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ये पूरा ब्लैक आ रखा है तो अपन इसको क्या करेंगे, पूरा पहले तो इसको पूरे फ्रेम पे ऐड कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक, फिर अपन क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड ब्लेंड करके ब्लिंक पे क्लिक करके डार्कन पे क्लिक कर देंगे, तो ये अपना पूरा पे आ जाएगा। ठीक, अब अपन को अब इसको एडजस्ट करना हो सही से, तो इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, अब ये तो हो गया एक फ़ोटो के लिए। अब इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लो, जितनी फ़ोटो उतनी बार उसको कॉपी कर लो। ठीक है, ये अपन जितनी फ़ोटो उतनी बार उसको कॉपी कर लिया। अब अपन क्या करेंगे कि ये फ़ोटो को कॉपी हो गया, अब नीचे देख आप देख सकते हो बीट के अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है, तो अपन इसको बीट के अकॉर्डिंग मिलाएंगे पहले। तो ये बीट के अकॉर्डिंग अपन मिला दिए हैं अपन ने। ये तो हो गया ये, अब अपने फोटो लेके आ नहीं दिए, तो अपन क्या करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, तो फोटो को अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, दूसरी फोटो क्लिक करके दूसरी फोटो को एडजस्ट कर देंगे, अगर आपको बड़ा, जैसे कि आप जूम करके अपने फोटो को एडजस्ट करना हो कर सकते हैं। तीसरी फोटो पे क्लिक करके तीसरी फोटो को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, चौथी फोटो को क्लिक करके चौथी फोटो को अपन एडजस्ट कर देंगे। किया, अब अपन क्या करेंगे, तो लास्ट में जो अपना वीडियो है, जो अपना ऑडियो है, जो उसको उठाना है। ठीक है, तो अपन ऑडियो पर क्लिक करेंगे, ऑडियो पर क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे, तो बच गया, तो ऑडियो फट जाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग अपना ऑडियो को सिलेक्ट फिक्स कर देंगे, एडिट करके फिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हो। हो गया, अब अपन क्या करेंगे कि अपने जो फोटो है, जो अपनी पूरी क्लियरिटी नहीं आ रही, तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले तो साफ करेंगे। साफ कैसे करते हैं, एडजस्ट पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाके जो साफ वन है उस पर क्लिक करके उसको साफ पूरा 100 कर देंगे। 100 करेंगे फिर पूरे में उसको फिक्स कवर कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। अब अपनी फ़ोटो वो साफ हो गई। दूसरा क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर में आपको जो अच्छा लग रहा है वो फिल्टर लगा देंगे। जैसे मैं वेब्रेंट लगा दे रहा हूँ, इसको करके इसमें कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो हमारी कैसी आई है। ठीक है, अब ये हो गया ये।
अब अपन क्या करेंगे, इस पर क्या लगाएंगे, लिरिक्स। तो अपन लिरिक्स को फोटो के अकॉर्डिंग लगानी है, तो लिरिक्स यहाँ से अपन सूट क्लिक किया, टेक्स्ट के ओपन सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट करना है तो ऐड टेक्स्ट करते हैं, कैप ऐड कैप ऑटो कैप्शन करना हो तो ऑटो कैप्शन कर देंगे, या ऑटो लिरिक्स करना तो ऑटो लिरिक्स कर देंगे। तो अपन अभी क्या करेंगे, ऑटो लिरिक्स, ये ऑटो लिरिक्स और ऑटो कैप्शन सिर्फ कैप करते हैं, होता है कहीं पर भी नहीं होता। तो अपन अब क्या करेंगे कि ऑटो लिरिक्स करते हैं, ठीक है। ऑटो लिरिक्स ऑडियो पे या वीडियो, तो ऑडियो से अपन लेना, तो ऑडियो हो जाते हैं। जब तक ये हो रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देख क्या ब्लॉग में लिरिक्स अपना आ चुका है। अब इस लिरिक्स को अपन को पूरे को यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देना है। ये अपन ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, अपन जो अपन एनिमेशन लगाएंगे, तो एनिमेशन टेक्स्ट के और इसके एनिमेशन अलग अलग आते हैं। जैसे कि अब ये कर दिया, अब अपन इसमें स्टाइल पर क्लिक करके अपना जो लिरिक्स के जो लाइंस है वो अपन यहाँ पे लगा देंगे। जैसे क्या लाइन है बता दें, धूप में तुझ से ठंडक, ये अपनी है लाइट। फिर अपन इसको फ़ॉन्ट पे जाएंगे, जो अपन को फ़ॉन्ट जो पसंद हो फ़ॉन्ट लगा देंगे, जो अपन को इस पर सूट करेगा अपने गाने। जैसे मेरे ये है कि मेरे को ये गाने ये सूट कर रहा है इस गाने पे, भी ये लगा देंगे। अब इस पर जाएंगे, ऐसे अपन को जो भी अपन को साइज़ रखनी है वो साइज़ अपने अपने हिसाब से रख देंगे। जैसे कि मेरे को ये साइज़ थोड़ी सही लग रही थी, तो मैं फिर अब इफेक्ट में जाऊँगा, इफेक्ट में जाके तो अपन को जो आर्ट है वो रख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बात है एनिमेशन, अब अपन नॉर्मल करते थे कैप्शन नहीं आता, अब कैप अपन इसमें लिरिक्स और ऑटो कैप्शन करें, कैप्शन आता था। अपन क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, जो अपन को जो करना, जो अपन को जो फ़ॉन्ट अपन को लेना है वो अपन ले सकते हैं। ठीक है, मेरे को फ़ॉन्ट लेना है, मेरे फोर्ड वाला। और मेरे को फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको 3 सेकंड, ठीक है 3 सेकंड हो गया, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लिया। ऐसे अपन सारे कर सकते हैं, सारे जितने भी हम कर सकते हैं। बस अब ये हुआ कि अपन बार बार ऐसे करेंगे तो क्या टाइम लग जाएगा। अपन क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके जो ये है इसको अपन क्या करेंगे, इसके यहाँ ले आएंगे, ठीक। अब वो का वही है, अब अपन क्या करना है, सिर्फ गाने के लिरिक्स सब बदलने। क्या थी सर्द, सर्द में कुछ सर, ठीक है ये हो गई। अब तीसरी क्या है, तो उसी पर क्लिक करके कॉपी करके तीसरी के लिए कर देंगे। तीसरी में तीसरी के लिए क्या लिरिक्स होगी वो अपन यहाँ लगा देंगे। तुम शिद्दत हो, शिद्दत हो, लगा दिया। अब इसी को फिर से कॉपी करके और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कर लें, तो लू है कि तुम शिद्दत हो, और यहाँ इसको सेलेक्ट सेलेक्ट करके इस पर जो भी अपन है क्या था, लिरिक्स का नीचे वाला है उसको अपन डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई लिरिक्स बन गई, अब लिरिक्स तो बन गई, अब लिरिक्स को ऐड भी तो करना होगा, तो लिरिक्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिरिक्स को ऐड क्या करेंगे, कि जो बीट है पहली लिरिक्स है उसको जो दूसरी बीट है उसके ऐड पूरा सेलेक्ट सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा पीछे करना है, जैसे कि अपन फेड मिल सके हल्का सा,
ऐसे इसमें करेंगे तो और अगर फीचर इसको और लास्ट वाले को खोला। तो ये हमारी वीडियो बन के तैयार हो गई, जैसे ही आप देख सकते हैं। हो गया, अब इसको अपने क्या करेंगे, सेव कर लेंगे।